नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाईफाई एजुकेशन हब। आज हम बात करेंगे राजस्थान विद्युत विभाग द्वारा आयोजित तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा के बारे में। 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस लाल बटन पर आप इस क्लिक कर लें और इस बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको हेल्पर 2 का जो कोर्स करवाया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए थे। प्रॉपर स्थान पूछा तो वो गुजरात से सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी के कहाँ से, गुजरात से प्राप्त हुए थे। अगला सवाल है, जैन धर्म के उत्थान में किस वर्ग का योगदान सर्वाधिक था। तो ये था वर्णिक वर्ग का। वर्ग का पूछा तो ये वर्णिक वर्ग का सर्वाधिक योगदान था जैन धर्म के अंदर। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम किसकी मूर्ति की पूजा प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी बुद्ध की मूर्ति की पूजा सर्वप्रथम शुरू हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो लगातार दो बार इस पद पर निर्वाचित हुए थे वो कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दो बार राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे, राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित है, मतलब भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं। तो कुल भाग है 22 भाग है। कितने, 22 भाग हैं। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ से लागू हुआ था। ये हुआ था पंजाब राज्य से। भारत में राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य से शुरू हुआ था और सर्वप्रथम यहीं पे लगा था। अगला सवाल है, आकार के आधार पर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आकार के आधार पर सबसे छोटा ग्रह पूछा तो ये होगा बुध ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है। अगला सवाल है, नाचना के ऊँट विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये स्थान किस जिले के अंदर है। तो ये जैसलमेर के अंदर नाचना है और नाचना गाँव के ऊँट विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ पर स्थित है। ये अजमेर जिले के अंदर है, जो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा। कौन सी, पद्मा डेयरी, जो सर्वाधिक पुरानी है राजस्थान की। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई सर्वाधिक किस जिले के अंदर है। ये है सिरोही जिले के अंदर। सिरोही जिले के अंदर अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है। आपको मैं बता दे दूं कि सर्वाधिक ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी, गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 17-22 मीटर। चलिए अगला सवाल है, अक्षत योजना किससे संबंधित है। तो अक्षत योजना आपको मैं बता देता हूँ कि स्नातक बेरोजगार के लिए चलाई गई योजना है अक्षत योजना। चलिए अगला सवाल है हमारा, किसी रोगी को दूरदृष्टि दोष है तो उसको कौन सा चश्मा दिया जाता है। तो दूरदृष्टि रोग के लिए उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। कौन सा, उत्तल लेंस का चश्मा। अगला सवाल है, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है या रोकथाम करता है। तो ये से रोग के लिए BCG का टीका रोक, मतलब से रोग को रोकता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या कुल कितनी है। तो ये अमीनो अम्ल की संख्या है 20। कुल कितनी है, 20 है। अगला सवाल है, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। तो ये ग्रंथि है यकृत। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि यकृत। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह झील कौन सी है। तो अंतप्रवाह झील ये जैसमंद झील है, जो ये गोमती नदी पर बनाई गई है। गोमती नदी पर बनाई गई है, जो सर्वाधिक राजस्थान की अंत सबसे बड़ी और मीठी झील है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर होगा उमेद सागर बांध कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर होगा उमेद सागर बांध कहाँ पर स्थित है, यह भीलवाड़ा जिले के अंदर उमेद सागर बांध बना हुआ है। अगला सवाल है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, ये किससे बनी होती है। ये सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। राजस्थान में जापानी ढंग से बना हुआ एकमात्र उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ये चंबल उद्यान है, जो जापानी ढंग से बना हुआ एकमात्र उद्यान है चंबल उद्यान। आज का लास्ट सवाल हमारा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड या जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है। ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। चलिए आज के ये वीडियो थी आज का हमारा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा इसी के बारे में। तब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।